Yesterday we started lesson 19, Disneyland, the world of wonder. Previous video में हम लोगों ने क्या किया था? Lesson 19 को start कर दिया था पढ़ना और हम लोगों ने आधा पढ़ भी लिया था. आज आगे का हम पढ़ेंगे, तो उसके पहले आप लोग अपनी books को open करके अपने सामने रख लेना, फिर books से match करके आपको सब कुछ सुनना समझना है. तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि आनंद और संगीता बहुत खुश थे as they were going through the Disneyland. When Papa came in the evening, he asked them कि तुम लोगों ने क्या Walt Disney के बारे में सुना है? तो बच्चों ने बोला no, we haven't heard. Then आनंद and संगीता से उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोगों ने मिकी माउस के बारे में सुना है? तो बच्चे बोले कि हाँ, हम लोग जानते हैं. उसके बाद उनको और इंटरेस्ट आया वॉल्ट डिज्नी के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने पापा से क्वेश्चंस करने शुरू किए. तो अभी देखते हैं हम पापा ने क्या बोला. जब आनंद ने बोला पापा से कि पापा प्लीज हमें वॉल्ट डिज्नी के बारे में कुछ और बताइए, तो पापा ने रिप्लाई किया, डिज्नीलैंड इन कैलिफोर्निया द फर्स्ट अम्यूजमेंट पार्क ऑफ इट्स काइंड इज नेम्ड आफ्टर हिम. उन्होंने बताया कि जो कैलिफोर्निया का डिज्नीलैंड है वो दुनिया का पहला डिज्नीलैंड है, पूरी दुनिया का फर्स्ट अम्यूजमेंट पार्क है जो डिज्नी के नाम पर ही जिसका नाम रखा गया है. इट इज ही हु क्रिएटेड द बिगेस्ट अम्यूजमेंट पार्क. ये वॉल्ट डिज्नी ही थे जिन्होंने इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनाया है. अम्यूजमेंट पार्क का मतलब मैंने आप लोगों को कल समझाया था, ऐसा पार्क जहां बच्चे फन के लिए, मस्ती के लिए जाते हैं. ठीक है. संगीता ने कहा व्हाट अ नाइस थिंग, ये कितनी अच्छी बात है. विल यू टेल समथिंग अबाउट डिज्नीज चाइल्डहुड पापा, क्या हमें डिज्नी के बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? पापा ने कहा व्हेन डिज्नी वाज अ चाइल्ड, जब डिज्नी छोटे बच्चे थे, ही लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, वो एक छोटे से कस्बे में, टाउन मींस होता है कस्बा, उसको आप पूरी तरह से शहर नहीं कह सकते, वो गांव भी नहीं होता, मतलब मिडिल का कुछ, जैसे अपना सिटी है, तो जस्ट लाइक अ टाउन. तो उन्होंने बताया कि वॉल्ट डिज्नी जब बच्चे थे तो वो एक छोटे से कस्बे में रहा करते थे. द प्लेस वॉज फुल ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड्स, वो जो जगह थी, जो उनका टाउन था, वहां पे बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स थे. ऑर्चर्ड मतलब होता है ऐसी जगह जो फल वाले पौधों से भरी रहती है. तो वहां पे कौन से फल के पौधे ज्यादा थे? पेड़ ज्यादा थे एप्पल के, तो वहां पे एप्पल ऑर्चर्ड्स अधिक हुआ करते थे. आनंद, इस पर आनंद पूछता है व्हाट वाज हिज हॉबी पापा, वॉल्ट डिज्नी की हॉबी क्या थी? हॉबी मतलब वो चीज जो काम करना हमें पसंद होता है, उसी को बोलते हैं हॉबी. तो पापा टोल्ड हिज हॉबी वॉज ड्रॉइंग, पापा ने बताया कि उनकी हॉबी ड्रॉइंग करना थी, उन्हें ड्रॉइंग्स बनाना बहुत पसंद था. ही लाइक एनिमल्स एंड ड्रू देयर पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी को एनिमल्स बहुत अच्छे लगते थे और वो यूजुअली उन एनिमल्स की फोटोज यानी पिक्चर्स बनाया करते थे. मम्मी कम्स इन, तभी मम्मी अंदर आती है, अभी तो मम्मी स्टोरी में नहीं थी, अब मम्मी भी स्टोरी में एंटर कर रही है. मम्मी ने कहा द टी इज रेडी, चाय बनकर तैयार है, कम एंड हैव टी, आओ और चाय पी लो, आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू, मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करूंगी. मतलब जो कन्वर्सेशन हो रही थी अम्यूजमेंट पार्क के बारे में, तो आनंद संगीता और पापा के साथ और मम्मी भी उस कन्वर्सेशन को ज्वाइन करने वाली थी. दे ऑल गो टू द डाइनिंग टेबल टू हैव टी, सभी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए चाय पीने के लिए. संगीता ने कहा पापा वी वुड लाइक टू सी वॉल्ट डिज्नीज फोटोग्राफ, हम वॉल्ट डिज्नी की फोटोग्राफ देखना चाहते हैं. पापा, तो पापा ने क्या कहा, आई हैव अ बुक ऑन वॉल्ट डिज्नी, मेरे पास वॉल्ट डिज्नी के ऊपर एक बुक है, एक पुस्तक है जिसमें वॉल्ट डिज्नी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. यू कैन सी अ नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ वॉल्ट डिज्नी इन दैट बुक, तुम उसमें ना वॉल्ट डिज्नी की बहुत सारी फोटोज को देख सकते हो. मीन्स वो ऐसी बुक होगी जो उनकी पिक्चर बुक होगी, बहुत सारी फोटोज या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्टेड होगा. तो उन्होंने बोला कि वो बुक में तुम लोग वॉल्ट डिज्नी की फोटो देख सकते हो. मम्मी आई विल शो यू द बुक, फिर मम्मी ने क्या कहा कि मैं तुम लोगों को वो बुक दिखाऊंगी, देन यू विल नो मोर अबाउट हिज लाइफ,